तो दोस्तों फाइनली फ्री फायर में OB40 का अपडेट आ गया है और इस अपडेट में बहुत सारे करेक्टर की एबिलिटी को चेंज किया गया है, लेकिन मेनली 4 करेक्टर की एबिलिटी को बहुत ज्यादा चेंज किया गया है और बाकी करेक्टर में माइनर चेंजेस किए गए हैं, मतलब गाइस छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं। तो आप लोग पहले जानो कि कौन कौन से करेक्टर में मेजर चेंजेस किए गए हैं, मतलब गाइस बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं, और उस करेक्टर का नाम है डिमिट्री थीवा ओलिविया कपेला। और गाइस आप लोग ये सब करेक्टर के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है रिवर्क, मतलब गाइस ये सब करेक्टर के ऊपर फिर से वर्क किया गया और इस सब की एबिलिटी को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। और बाकी के कैरेक्टर जो बच गए उनमें माइनर चेंजेस किए गए हैं और मैं उस सब की एबिलिटी आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि उस सब क्या क्या एबिलिटी में चेंज हुए हैं। तो अभी मैं आपको फिलहाल मेन 4 कैरेक्टर की एबिलिटी बताने वाला हूं जिसकी एबिलिटी को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा माइनर चेंजेस के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे डिमिट्री करेक्टर की न्यू एबिलिटी के बारे में कि OB40 अपडेट के बाद डिमिट्री करेक्टर की न्यू एबिलिटी क्या होने वाली है। तो डिमिट्री करेक्टर की फर्स्ट एबिलिटी पहले वाले डिमिट्री के जैसे होने वाली है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। तो डिमिट्री करेक्टर की पहली एबिलिटी है कि जब आप इसकी एबिलिटी को ऑन करते हैं तो यह 3.5 मीटर का घेरा बनाती है और आप इस घेरे के अंदर रहते हो तो आपको 10 HP/s रिकवर करेगा 12 सेकंड के लिए। और पहले डिमिट्री करेक्टर 15 सेकंड तक एक्टिव रहता था, लेकिन अब 12 सेकंड के लिए एक्टिव रहेगा। तो डिमिट्री की फर्स्ट एबिलिटी है कि ये आपको 120 HP तक रिकवर करेगा। तो डिमिट्री की सेकंड एबिलिटी है कि आप इसके सर्कल के अंदर आते हो तो आप लोग ऑटोमेटिक रिवाइव होने लगते हो, आपको यहाँ पे रिवाइव का कोई बटन देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं जैसे ही डाउन हो गया वैसे ही मैं रिवाइव होना चालू हो गया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि आपको केवल डिमिट्री के सर्कल के अंदर आना है तो आप लोग ऑटो रिवाइव चालू हो जाएगा। जैसे ही आप उस सर्कल के अंदर आते हो आप लोग तुरंत रिवाइव होने लगते हो। तो अब आप लोग डिमिट्री कैरेक्टर की लास्ट एबिलिटी को देख लीजिए। अगर आप लोग डिमिट्री कैरेक्टर की एबिलिटी को ऑन कर लेते हो और आप लोग अपनी टीम का लास्ट मेंबर बचे हो और आप लोग किसी कारण से डाउन हो जाते हो तो आप लोग डाउन होने के बाद फिर से रिवाइव होने लग जाइएगा। लेकिन अगर हम लोग पहले डिमिट्री की एबिलिटी ऑन न करें तो क्या होगा? तो आप लोग यहाँ पे देखो, अभी डिमिट्री की एबिलिटी ऑन नहीं है और मैं अपनी टीम का लास्ट मेंबर बचा हूँ, तो यहाँ देखो मैं जैसे ही डाउन होता हूँ गाइस मैं यहाँ पे पूरा खत्म हो जाता हूँ। तो आई होप आपको डिमिट्री की एबिलिटी समझ में आ गया होगा पूरा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थीवा कैरेक्टर की नई एबिलिटी के बारे में जो कि पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो थीवा की पहली एबिलिटी है कि अगर आपका टीममेट कोई डाउन हो गया और आप अपने टीममेट को रिवाइव करने जाते हो तो आप लोग जैसे रिवाइव बटन पे टैप करते हो तो वो 0.9 सेकंड में रिवाइव हो जाता है। मतलब गाइस थीवा कैरेक्टर सुपर फास्ट स्पीड से रिवाइव कर देगा और नॉर्मली हमको लगता है 3 से 4 सेकंड रिवाइव होने में, लेकिन थीवा कैरेक्टर आपको 0.9 सेकंड का सुपर पावर स्पीड से आपको रिवाइव कर देगा। तो ये है थीवा की पहली एबिलिटी। अब हम बात करते हैं थीवा की दूसरी एबिलिटी के बारे में। तो थीवा की दूसरी एबिलिटी कि अगर आप अपने टीममेट को रिवाइव करते हो तो उसको रिवाइव करने के बाद आपके टीममेट को 100 HP एक्स्ट्रा मिलता है, और नॉर्मली जब हम लोग रिवाइव होते तो हमको 20 HP ही मिलता है, लेकिन थीवा कैरेक्टर आपको 100 HP एक्स्ट्रा देगा, मतलब गाइस आपके पास टोटल 120 HP हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में जिसकी एबिलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई है और उसका नाम है ओलिविया कैरेक्टर। तो ओलिविया कैरेक्टर की एबिलिटी अभी आप लोग समझ सकते हो। अभी आप लोग यहाँ पे देखो मेरा HP यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है और अभी ओलिविया कैरेक्टर देखो वहाँ पे हील हो रहा है, तो देखो मेरा अपने आप मेरे यहाँ पे HP बढ़ने लग रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो यही ओलिविया कैरेक्टर की नई एबिलिटी है कि जैसे ही ओलिविया कैरेक्टर खुद को हील करने लग जाएगा तो उसके 10 मीटर का एक रेडियस बन जाएगा और उसके 10 मीटर के अंदर जितने भी टीममेट रहेंगे उसके वो सारे को HP मिलने लग जाएगा। तो कितना HP मिलेगा? तो ओलिविया कैरेक्टर खुद को अगर हील कर रहा है तो उसको अगर 100 HP मिल रहा है तो आपको उसका 80% HP मिलेगा, मतलब गाइस आपको 80 HP मिल जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि ओलिविया कैरेक्टर आपको कैसे हेल्प करेगा, लेकिन शर्त ये कि आपको 10 मीटर के रेडियस के अंदर रहना होगा तभी आपको ओलिविया कैरेक्टर HP दे पाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम है कपेला कैरेक्टर। तो कपेला कैरेक्टर की नई एबिलिटी है कि कपेला कैरेक्टर जिसको भी रिवाइव करेगा उसको 80 HP टेम्पररी मिलेगा और नॉर्मली हमको तो मिलता है 20 HP, लेकिन कपेला कैरेक्टर अगर आपको रिवाइव कर देगा तो आपको 80 HP टेम्पररी मिल जाएगा और ये 4 सेकंड में गाइस आपका 80 HP खत्म हो जाएगा तुरंत। और कपेला कैरेक्टर आपके मूवमेंट स्पीड को 10% इंक्रीज कर देगा, मतलब गाइस आप जल्दी भाग सकते हो और कहीं पे छुप सकते हो। एंड कपेला की दूसरी एबिलिटी की अगर आप डाउन होते हो तो आपके ब्लीडिंग को 5% ये रोक के रखता है, मतलब गाइस आप लोग ज्यादा टाइम तक आप लोग सरवाइव कर सकते हो। तो ये रहा कपेला की एबिलिटी जो गाइस पूरी तरह से चेंज हो गई है OB40 अपडेट के बाद। तो गाइस अब मैं आपको उन कैरेक्टर की एबिलिटी बताने जा रहा हूँ जिसमें माइनर चेंजेस हुए हैं। तो पहला कैरेक्टर है के कैरेक्टर। तो आप लोग के कैरेक्टर की एबिलिटी को देखो, आप लोग इसके EP सेक्शन में देखो तो पहले यहाँ पे 220 HP तक स्टोर कर सकता था, लेकिन गाइस अब यहाँ पे 250 CP तक स्टोर कर सकता है। एंड इसमें एक और अपडेट हुआ है कि आप लोग इसकी एबिलिटी को स्विच करते हो तो उसमें 6 सेकंड का टाइम लेता है और पहले 3 सेकंड का टाइम लेता था, मतलब गाइस यहाँ पे देखो आपको AP से HP में स्विच करने के लिए आपको 6 सेकंड का टाइम लेगा। तो गाइस के की एबिलिटी में बस यही दो चेंज हुआ है, बाकी उसकी एबिलिटी सेम है पहले के जैसा OB40 अपडेट के बाद। नेक्स्ट कैरेक्टर गाइस इलवारो कैरेक्टर।
सो गैस अलवारो की एबिलिटी थी कि ये ग्रेनेड के डैमेज को 30% बढ़ाता था, लेकिन गैस अब ये 20% ही बढ़ाएगा, मतलब इसमें 10% रिड्यूस किया गया है इसकी एबिलिटी को। तो नेक्स्ट है एंड्रयू क्रेटर की एबिलिटी, तो इसकी एबिलिटी को इंक्रीज किया गया है। तो पहले क्या होता कि एंड्रयू की एबिलिटी वेस्ट को 20% ज्यादा मौजूद बनाता था, लेकिन गैस अब ओबी 40 के अपडेट के बाद एंड्रयू की एबिलिटी वेस्ट को 25% तक ज्यादा मौजूद बनाएगा। तो गैस ये रहा एंड्रयू क्रेटर की एबिलिटी ओबी 40 अपडेट के बाद। तो गैस आई होप आपको वीडियो पूरी तरह समझ आ गई होगी कि इसमें क्या क्या अपडेट हुए हैं। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया यार, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।